हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर यू चैनल और स्मार्ट टिप्स ऑनलाइन में आपको फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ एडवांस एंड्रॉइड जो मोबाइल से उसका 5 हिडन फीचर्स के बारे में बात करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर सब्सक्राइब कर लिया है तो सब्सक्राइब बटन के पास जो नोटिफिकेशन बेल है वहां पे क्लिक करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहां पे क्लिक करने से आपको ऐसा वीडियो का अपडेट न्यूज आपका मेल पे मिलते रहेगा। तो फ्रेंड्स, जो 5 हिडन फीचर्स के बारे में मैं आज बात करने वाला हूं, उसमें से जो पहला आते हैं वो वन हैंड ऑपरेशन। मतलब आप एक हाथ से आपका मोबाइल को यूज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूं। तो देखिए, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे सेटिंग्स में जाता हूं, और सेटिंग्स में जाने के बाद देखिए यहां पे एक एडवांस फीचर्स एक ऑप्शन है। एडवांस फीचर्स में आपको जाना पड़ेगा। तो एडवांस फीचर्स में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो वन हैंड ऑपरेशन जो पहले एकदम माथे पे है, वन हैंड ऑपरेशन, ठीक है, इसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, इसको कैसे यूज़ करना है, कैसे नहीं यूज़ करना है, ठीक है, और यह क्या काटते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आपको यह प्लीज़ पढ़ लीजिएगा पहले, ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दो ऑप्शंस यहाँ पे दिया दे रहा है, एक है रिड्यूस स्क्रीन साइज और दूसरा है वन हैंड इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं वन हैंडेड इनपुट जो है वन हैंडेड इनपुट में चेक कर देता हूँ। मैं ये ऑफ है ऑलरेडी, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए ये ऑन हो चुका है। तो इसको ऑन करने के बाद, और अगर रिड्यूस स्क्रीन साइज करते हैं, रिड्यूस स्क्रीन साइज का मतलब है आपका जो स्क्रीन है मोबाइल का वो छोटा हो जाएगा, आपका हैंड में जो थंब फिंगर है उसका हिसाब से चलाएगा, तो आपको यूज करने से आसानी मिलेगा, ठीक है। तो मैं रिड्यूस नहीं करता हूँ अभी, और मैं सिर्फ वन हैंडेड इनपुट में कर देता हूँ। उसके बाद अगर बैक करेंगे आप, जब भी आप बैक करेंगे उसके बाद जब भी आप कोई भी मैसेज में टाइप करने जाएंगे तो देखेंगे क्या होगा, आपका जो कीपैड है वो छोटा हो जाएगा। मैं देखिए दिखाता हूँ आपको। देखिए मैं यहाँ पे राइट मैसेज में क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे देखिए छोटा हो गया है मेरा कीपैड, ठीक है, मतलब पूरा एक हैंड में आ गया है। मतलब यहाँ से मैं बहुत ही अच्छी तरीके से मैं यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ। और दूसरा जो हिडन फीचर्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है टेक्स्ट शॉर्टकट्स। टेक्स्ट शॉर्टकट्स बहुत ही अच्छा है। देखिए आज फेसबुक, ईमो, क्या आपका कोई भी मैसेंजर, व्हाट्सएप वगैरह, बहुत ज़्यादा लोग टेक्स्ट करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं। इसके लिए आप उन लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी होते हैं कि बहुत ज़्यादा टाइप करना पड़ते हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आपका मोबाइल पे ये टेक्स्ट जो शॉर्टकट्स जो फीचर्स है वो अगर अवेलेबल रहेगा, मतलब वो अगर आपका सेट रहेगा पहले से ही, तो आपको बहुत ही सुविधा मिलेगा। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे इसको ऑन करना है और कैसे इसको यूज करना है। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सेटिंग्स में जाता हूँ, और उसके बाद देखिए लैंग्वेज एंड इनपुट जो सेक्शन है आपका मोबाइल पे, लैंग्वेज एंड इनपुट सेक्शन, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद देखिए यहाँ पे सैमसंग कीबोर्ड का जो सेक्शन है वहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, और उसके बाद एकदम नीचे जाइए, नीचे हिस्से में जाके देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो है आपका टेक्स्ट शॉर्टकट, ठीक है। तो इसमें आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। क्रिएट शॉर्टकट्स फॉर योर फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रेजेस, योर प्रीसेट फ्रेजेस विल बी सजेस्टेड इन द प्रेडिक्टिव टेक्स्ट एरिया व्हेन यू टाइप देयर शॉर्टकट्स। मतलब आप जब भी कोई कुछ भी टाइप करेंगे तो आपका जो प्रेडिक्टिव वहाँ पे सेट रहते हैं, प्रेडिक्शन वहाँ पे ऑन रहते हैं अगर आपका मोबाइल पे, तो आपका टाइप वहाँ पे जब भी आप कुछ भी करेक्टर आप प्रेस करेंगे उसके बाद आपका यहाँ पे शो करेगा। और यहाँ पे नीचे एक एग्जांपल दिया है, जब भी आप ईमेल टाइप करेंगे उसके बाद आपका example@samsung.com, मतलब आपका ईमेल, आपका नेम, आप चाहते हैं कि आपका अकाउंट डिटेल्स हो सकते हैं, आपका ईमेल आईडी हो सकते हैं, कि आपका वार्म वेलकम जैसा कुछ टेक्स्ट होगा तो वो हो सकते हैं, आप वो पूरा लिख के रख सकते हैं। आप एक वर्ड के हिसाब से, एक नंबर के हिसाब से आप रख सकते हैं। देखिए मैं कैसे रखते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। आपको क्या करना है, जो ऊपर में जो यहाँ पे ऐड सेक्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ ऐड पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे ऊपर के हिस्सा में लिख रहा है कि एंटर शॉर्टकट फ्रेजेस, मतलब यहाँ पे आपको शॉर्टकट टाइप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ 1, ठीक है, और इसके बाद नीचे लिख रहा है कि एक्सपेंडेड फ्रेजेस, मतलब जो आपको लिखना है, मतलब 1 जब भी आप टाइप करेंगे उसके बाद क्या होगा, मतलब कौन सा आपको वर्ड उसके हिसाब से चाहिए। तो मैं यहाँ पे मेरा जो चैनल का नेम है मैं वो डाल देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे टाइप कर दिया, और उसके बाद यहाँ पे ऐड कर दिया, ठीक है। तो मेरे को क्या होगा, जब ये मैं टेक्स्ट करूँगा किसी को, मेरा फ्रेंड को, उसके बाद मैं 1 प्रेस करूँगा तो मेरा जस्ट फॉर यू ऑटोमेटिकली वहाँ पे शो होगा, मैं उसको
सेंड कर सकता हूँ बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली और बहुत ही जल्दी जल्दी। ठीक है, तो दिखाता हूँ मैं आपको कैसे मैं करता हूँ। मैं पहले मेरा होम में जाता हूँ और उसके बाद देखिए मैसेज जो सेक्शन है, मैसेज सेक्शन में जाता हूँ और यहाँ पे न्यू मैसेज क्लिक करता हूँ। और उसके बाद जब भी मैं यहाँ पे एंटर मैसेज में जाता हूँ और उसके बाद देखिए यहाँ पे वन टाइप करता हूँ। वन टाइप करने के बाद ही देखिए यहाँ पे जस्ट फॉर यू चलाया, तो मैं यहाँ पे जस्ट फॉर यू सेट कर देता हूँ। तो ऐसे तरह आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजीली, बहुत ही जल्दी जल्दी टाइप कर सकते हैं, आपको फ्रेंड को सेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको यूज़ कीजिए, ये फीचर्स बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत ही अच्छा लगा और मैं इसको यूज़ करता हूँ। आप यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा, मेरा वीडियो के नीचे जो कमेंट सेक्शन है वहाँ पे प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, आपको कैसा लगा और इसको यूज़ करके आपको कुछ फ़ायदा मिला कि नहीं मिला, उसको प्लीज़ कमेंट्स करना मत भूलिएगा। ठीक है, और तीसरा जो हिडन फीचर्स है वो है आपका पिंग विंडो, मतलब आप अगर चाहते हैं कोई भी विंडो को पिंग करना, मतलब वही विंडो सिर्फ शो होगा आपका मोबाइल पे और दूसरा विंडो पे आपका कोई भी काम नहीं होगा, बैक बटन काम करना बंद कर देगा, होम बटन काम करना बंद कर देगा, मतलब आप कोई भी दूसरा विंडो पे नहीं जा सकते हैं। तो इसको अगर यूज़ करते हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, मतलब आपका अगर सोचिए कि आप कोई भी काम करते हैं और काम करते करते आपको कोई आपको बुला रहा है, आपका पापा मम्मी भाई बहन क्या वाइफ कोई भी बुला रहा है, क्या फ्रेंड्स बुला रहा है आपको, तो आप क्या कर सकते हैं, आपका सोचिए कि आपका पास जो फ्रेंड है, क्या कोई भी दोस्त है, क्या कोई भी और कोई आदमी है, तो वो आपका मोबाइल यूज़ कर सकते हैं। आप हो सकते हैं कि आपका चाइल्ड भी हो सकते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, एक मोबाइल का एक जो स्क्रीन है उसको आप मतलब सेट कीजिए और उसको पिन कर दीजिए, तो उसके बाद आप उसको ओपन करके चला जाइए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई परेशानी नहीं होगा, और वो जो फ्रेंड है, वो जो आपका चाइल्ड है, वो आपका सिर्फ वही स्क्रीन को देख सकते हैं और ऑपरेट कर सकते हैं, लेकिन दूसरा कोई स्क्रीन पे नहीं जा सकते हैं। तो देखिए मैं इसको दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, कैसे एक्टिवेट करते हैं इसको। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और सेटिंग्स में जाके यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो है लॉक स्क्रीन एंड सिक्योरिटी, तो इसमें क्लिक करना पड़ेगा आपको। और उसके बाद देखिए यहाँ पे और एक सेक्शन है अदर सिक्योरिटी, तो मैं नीचे जाता हूँ, देखिए अदर सिक्योरिटी सेटिंग्स एक सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है जो है आपका पिन विंडो, मेरा देखिए यहाँ पे पिन विंडोज जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑफ रहते हैं, तो मेरा मोबाइल पे भी ऑफ ही है, तो मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इसमें क्लिक करता हूँ और उसके बाद इसको ऑन कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको बोल रहा है कि कैसे आपको इसको यूज़ करना है, टर्न ऑन पिन विंडोज, ओपन एन ऐप, मतलब कोई भी ऐप अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो उसको ओपन कर दीजिए। और उसके बाद प्रेस द रिसेंट कीज, मतलब आपको जिसमें काम करना है उसको आप प्रेस कर दीजिए पहले। और उसके बाद देखिए बोल रहा है कि टैप पिंग बटन, ठीक है, पिंग इन बॉटम राइट कॉर्नर, मतलब बॉटम राइट कॉर्नर साइड पे आपको मिलेगा इसको ये आइकॉन, और उसमें पिंग कर दीजिए और वो जो विंडो है वो आपका पिंग हो जाएगा उस ऐप का। तो देखिए मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं, पहले इसको ऑन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑन करने के बाद देखिए मैं होम में चला जाता हूँ और उसके बाद देखिए मैं जो मेरा जो रिसेंट की है, ठीक है, रिसेंट की जो बटन है उसको मैं क्लिक करता हूँ, मतलब रिसेंट ऐप्स जहाँ पे दिखाएगा, तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ मैं। देखिए मेरा यहाँ पे जितना सारा रिसेंट ऐप है वो मेरा यहाँ पे शो हो रहा है। तो देखिए रिसेंट ऐप मेरा है स्मार्ट मैनेजर, ठीक है, तो मैं इसको पिंग करना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं अगर पिंग कर देता हूँ, देखिए बॉटम राइट कॉर्नर में यहाँ पे शो कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको पिंग विंडो इसको मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे लिख रहा है कि आप क्या इसको स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ। तो देखिए ऐप पिंग, मतलब ये एप्लीकेशन पिंग हो चुका है, देखिए अभी ये एप्लीकेशन ही सेफ चलेगा। अभी मैं बैक प्रेस कर रहा हूँ बैक बटन, लेकिन देखिए यहाँ पे बैक बटन कोई भी काम नहीं कर रहा है। देखिए टू अनपिन एप्लीकेशन प्रेस एंड होल्ड द रिसेंट एंड बैक कीज एट द सेम टाइम, मतलब आपका जो बैक कीज है और रिसेंट जो कीज है उसको आपको सेम टाइम आपको प्रेस करके होल्ड करने के रखना पड़ेगा, तो उसके बाद ही आपका इसको अनपिन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सभी को पता नहीं है, तो इसीलिए आप बेझिझक आप इसको ऐसे पिन करके चला जा सकते हैं, कोई भी आपका मोबाइल को छेड़खानी नहीं कर सकते हैं आपका मोबाइल के साथ, उसको पता चलेगा कि हाँ ये मोबाइल ऑन है,
ये मोबाइल लॉक नहीं है, लेकिन फिर भी वो यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा है, मेरे को बहुत ही यूज़फुल लगा और बहुत ही सिक्योरिटी लगा इसमें, इसको यूज़ करके, तो इसीलिए मैं इसको शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो देखिए मैं इसको अनपिन करता हूँ, तो मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं दोनों की को बैक बटन और मेरा जो रिसेंट बटन है उसको मैं दोनों को एक साथ प्रेस करके होल्ड करके रखा हूँ। देखिए ऐप अनपिन यहाँ पे, तो मेरा एप्लीकेशन जो है वो अनपिन हो चुका है। ठीक है, अभी मैं बैक बटन प्रेस करता हूँ, देखिए अभी कम कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे तरह इसको यूज़ किया जाते हैं, आपको अच्छा लगेगा, इसको यूज़ कीजिए। और चौथा जो फीचर है वो है इंटरेक्शन कंट्रोल, मतलब आप कोई भी अगर स्क्रीन को ब्लॉक करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा। तो सेटिंग्स में मैं जाता हूं और उसके बाद देखिए यहां पे एक्सेसिबिलिटी का एक ऑप्शन है, वहां पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। मैं इसमें क्लिक करता हूं और उसके बाद देखिए यहां पे एक डेक्सटरिटी एंड इंटरेक्शन एक ऑप्शन है, यहां पे आपको जाना पड़ेगा। तो मैं यहां पे डेक्सटरिटी एंड इंटरेक्शन में क्लिक करता हूं और इसके बाद देखिए नीचे जो एकदम तीन नंबर पे जो है वो है आपका इंटरेक्शन कंट्रोल। तो यहां पे आपको जाना पड़ेगा और इसके बाद इसको ओपन करना पड़ेगा, ऑन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए यहां पे एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है, तो यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन पहले फॉलो करना है, उसको पहले रीड कर लीजिए। मैं आपको शॉर्टली बोल देता हूँ कि आपको क्या करना है, इसको अगर ऑन करना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और इसको ऑफ, ये ऑन हो जाएगा। और इसको अगर एक्टिवेट करना है आपको, मतलब इसको यूज़ करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो वॉल्यूम डाउन की है उसको और होम की एक साथ आपको प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऑन करता हूँ। देखिए अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो, सोचिए कि मेरा ये जो सेक्शन है इस पेज को मैं ब्लॉक करना चाहता हूँ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वॉल्यूम जो डाउन की है और होम की ये दोनों को एक साथ प्रेस करना है। तो मैं प्रेस करता हूँ और देखिए यहाँ पे मेरा चलाया है और यहाँ पे देखिए एक सेक्शन है, तो इसको देखिए ये जो बार है इसको आप ड्रैग करके जितना आपका सेक्शन आपको बंद करना है, ठीक है, जो सेक्शन आपको बंद करना है वही सेक्शन को आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए और सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, देखिए ये सेक्शन मैं चूज कर लिया। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये सेक्शन मेरे को ऑफ करना है और मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ। और एक चीज मैं यहाँ पे कैंसिल करके मैं दिखा रहा हूँ आपको, पहले जब भी आप यहाँ पे जाएंगे देखिए इंटरेक्शन कंट्रोल पे, तो यहाँ पे नीचे एक देखिए यहाँ पे एक सेक्शन है टाइम लिमिट का सेक्शन, मतलब आपको कितना टाइम तक आपको इसको बंद करके रखना है। ठीक है, मैं यहाँ पे 4 सेकेंड यहाँ पे है, मैं यहाँ पे 4 सेकेंड सेट किया हूँ मैं पहले। आप अगर चाहते हैं कि इसको चेंज करने के लिए तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइम है वीडियो, इसीलिए मैं यहाँ पे 2 सेकंड का कर देता हूँ और उसके बाद डन कर देता हूँ। यही सेक्शन को मेरे को ऑफ करना है, तो मैं यहाँ पे वॉल्यूम डाउन की और होम की एक साथ प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये ऑन हो चुका है और मेरे को ये हिस्सा जो है इसको बंद करना है। तो इसको मैं चेक करता हूँ और इसको डन कर देता हूँ। ठीक है, और देखिए ये जो हिस्सा है ये ऑटोमेटिकली बंद हो चुका है। नीचे जो सेक्शन है उसको मैं यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन ये जो सेक्शन है इसके ऊपर मैं टच नहीं कर सकता हूँ। और इसको अगर आपको बंद करना है तो आपको क्या करना है, आपको फिर से वॉल्यूम डाउन की और आपको होम की एक साथ प्रेस करना है और इसके बाद यहाँ पे ऑफ का ऑप्शन आ रहा है करना है, तो मैं यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ और देखिए यहाँ पे टर्न ऑफ हो चुका है। और पांचवा जो फीचर है वो है आपका विंडोज एनिमेशन। देखिए आप जो रेड मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपका जो भी डिवाइस होगा आपका, तो वो क्या होते हैं, कुछ दिन के बाद आपका मोबाइल स्लो हो जाते हैं, कि आप जब भी नया मोबाइल खरीदते हैं तो उसके बाद ही आप देखते हैं कि आपका मोबाइल थोड़ा स्लो चल रहा है। तो अगर आपका मोबाइल को क्विकली आपको फास्ट करना है तो आपको क्या करना है, देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेटिंग्स में जाना पड़ेगा और डेवलपर ऑप्शन को ऑन करना पड़ेगा अगर आपका मोबाइल पे डेवलपर ऑप्शन ऑन नहीं है। और अगर आपके पास होते हैं तो यहाँ पे जो देखिए यहाँ पे अबाउट डिवाइस जो है, अबाउट डिवाइस के ऊपर में ये हिस्सा पे आपका डेवलपर ऑप्शन शो करेगा। तो मेरा यहाँ पे ऑन नहीं है मेरा इस मोबाइल पे, तो इसीलिए मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, तो इसको यहाँ पे ऑन करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अबाउट डिवाइस में जाना पड़ेगा। ठीक, और अबाउट डिवाइस में जाके आपका जो सॉफ्टवेयर इन्फो है, ठीक है, सॉफ्टवेयर इन्फो में आपको क्लिक करना पड़ेगा और उसके बाद देखिए यहाँ पे बिल्ड नंबर है, तो इसके ऊपर आपको 7 times आपको टैप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे 7 times टैप करता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है। और देखिए यहाँ पे डेवलपर मोड हैज़ बीन टर्न ऑन, देखिए डेवलपर ऑप्शंस मेरा यहाँ पे आ गया है। तो इसके बाद मैं डेवलपर ऑप्शंस में आपको जाना है, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ और उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे विंडोज एनिमेशन जो एक ऑप्शन है वो वहाँ पे जाना पड़ेगा। देखिए
विंडोज एनिमेशन स्केल। देखिए विंडोज एनिमेशन स्केल एक ऑप्शन है, एक है ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल आपका ऑप्शन है, और एक है एनिमेटर ड्यूरेशन स्केल। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या क्या काम करता है ये। देखिए विंडो एनिमेशन स्केल जो एक सेक्शन है, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए आप जब भी एक विंडो को ओपन करेंगे तो आपका जो विंडो होते हैं थोड़ा फेड होके ओपन होते हैं, कुछ स्लाइडिंग होके ओपन होते हैं, तो वो जो एनिमेशन होते हैं उसका जो टाइमिंग होते हैं, मतलब वो आपका सामने पॉपअप होगा क्या, आपका सामने स्लाइडिंग होगा तो कितना टाइम लेके होगा, इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आप बहुत ही फास्टली आपका सामने ये पॉपअप होगा। और एक चीज़ क्या होगा, आपका रैम जो यूज़ हो रहे हैं इसके हिसाब से, तो आपका रैम बहुत ही कम यूज़ होगा और इसमें से आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही करके आपका जो ट्रांजेक्शन एनिमेशन स्केल है उसको भी अगर आप इसमें ऑफ कर देते हैं, और अगर आपका जो एनिमेटेड ड्यूरेशन स्केल है आपका जो वो ड्यूरेशन स्केल, मतलब ड्यूरेशन कितना टाइम तक आपका वो एनिमेशन हो चलेगा, तो इसको अगर आप ऑफ कर देते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो जाएगा आपका मोबाइल। देखिए मैं दिखाता हूँ आपको, जब भी आप कोई कुछ भी मतलब क्लिक करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं देखिए यहाँ पे मैं ऐप्स में जाता हूँ, देखिए बहुत ही फास्ट, पहले जो खुलने में थोड़ा बहुत टाइम ले रहा था अब ये बहुत ही फास्ट हो चुका है। तो देखिए इस फीचर्स को आप यूज़ कीजिए, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको। और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब मेरे चैनल, मैं कोशिश करूँगा ऐसे ऐसे वीडियो आपको सामने फिर से लाने के लिए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी ज़रूरत है, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिखिए कौन सा वीडियो नेक्स्ट आपको चाहिए। ठीक है, मैं कोशिश करूँगा वैसे ही आपका डिमांड के ऊपर मैं वीडियो बनाने का। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो पर आपका साथ फिर से मुलाकात होगा, तब तक के लिए गुड बाय।